तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप IRCTC ऐप से तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो। तो जैसा कि इसका नाम है तत्काल, तो यहाँ पे आपको ट्रेन टिकट की बुकिंग जर्नी के एक दिन पहले करना होता है। मीन्स अगर आप 10 तारीख को जर्नी करना चाहते हो तो आपको 9 तारीख को बुकिंग करना होता है, और बुकिंग करने के लिए भी फिक्स टाइमिंग है। तो अगर आप AC कोच में बुकिंग करना चाहते हो तो आपका बुकिंग सुबह के 10 बजे स्टार्ट होता है, जबकि नॉन AC कोच के लिए बुकिंग आपका 11 बजे सुबह स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर आप तत्काल कोटा में ट्रेन टिकट बुक करते हो तो आपको यहाँ पे चार्जेस भी ज़्यादा लगता है, मीन्स टिकट के लिए आपको ज़्यादा फेयर पे करना होगा। तो अभी मैं आपको अपने मोबाइल में कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आपको तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों तत्काल टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आकर के IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये ट्रेन टिकट बुक करने के लिए ऑफिशियल ऐप है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपके पास IRCTC का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके पास IRCTC अकाउंट नहीं है तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस दिखाया था कि कैसे आपको अपना IRCTC अकाउंट स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो और अकाउंट बनाना सीख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पिन इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा टाइप करके लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों चूंकि तत्काल टिकट जर्नी करने के एक दिन पहले किया जाता है और टिकट बुकिंग भी एक फिक्स टाइम पे ओपन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मीन्स AC टिकट्स के लिए आप मॉर्निंग में 10 बजे बुकिंग कर सकते हो और नॉन AC टिकट्स के लिए आप मॉर्निंग में 11 बजे बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही बुकिंग टाइम स्टार्ट होता है आपको फटाफट से बुकिंग करना होता है, अदरवाइज आपका सारा बुकिंग फुल हो जाएगा और आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आता है कि कैसे आप फटाफट अपने डिटेल्स को इंटर करोगे टिकट बुकिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप पहले से ही एक मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रख सकते हो, जिसमें कि सारा पैसेंजर डिटेल ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा, बस आपको सेलेक्ट करना होगा और इस तरह से आप अपना बुकिंग तेजी से कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पे आपको माय अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको माय मास्टर लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके अपना मास्टर लिस्ट बना लेना है, मीन सारे पैसेंजर्स को ऐड कर लेना है जो जो जर्नी करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करने के बाद ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको पैसेंजर टाइप चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पैसेंजर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैसेंजर का जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस, अगर मेल ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, और ID कार्ड टाइप सेलेक्ट करके आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुली पैसेंजर ऐड हो जाता है, यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल दिख जाता है। यहाँ पे आपको 1 by 1 पैसेंजर्स को ऐड कर लेना है, और बाद में अगर आप पैसेंजर डिटेल को एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको पैसेंजर्स को ऐड कर लेना है, मास्टर लिस्ट क्रिएट कर लेना है टिकट बुकिंग टाइम से पहले। उसके बाद यहाँ पे वापस आपको होम सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको ट्रेन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको बुक टिकट पे वापस से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम स्टेशन सर्च कर लेना है, टू स्टेशन सर्च कर लेना है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक आप जाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास में ऑल क्लास ही रहने देना है और यहाँ पे कोटा में आपको तत्काल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना जर्नी डेट चूज कर लेना है। तो चूंकि आज 23 तारीख है तो आपको 24 तारीख का टिकट करने का ऑप्शन मिलता है तत्काल में, मीन्स आप एक दिन बाद का टिकट कर सकते हो, इमीडिएटली एक दिन पहले करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से आ जाना है AC और नॉन AC टिकट बुक करने के लिए। तो चूंकि अभी 11 बजे है तो अभी मेरा नॉन AC टिकट का टाइमिंग है, मीन्स यहाँ पे मैं स्लीपर कोच में बुकिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ट्रेन का कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, बोर्डिंग टाइम, डेस्टिनेशन टाइम, डेस्टिनेशन स्टेशन, कितने घंटे की जर्नी होने वाली है वो दिख जाएगा, और सप्ताह के किस किस दिन ट्रेन चलती है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके देख लेना है सीट अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तत्काल में अभी इस ट्रेन में 149 सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको फेयर देखने को मिल जाएगा कि कितना आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर बुकिंग करनी है तो पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है। तो चूंकि मैंने मास्टर लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जिसमें मैंने बुकिंग टाइम स्टार्ट होने से पहले ही ऐड कर लिया था जो जो पैसेंजर जर्नी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक पैसेंजर को ऐड किया था उदाहरण के लिए। तो यहाँ पे सिंपली मुझे पैसेंजर को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट पैसेंजर, और यहाँ पे आप देख सकते हो पैसेंजर ऐड हो जाता है। यहाँ पे भी आपको ऐड एग्जिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने मास्टर लिस्ट में से पैसेंजर्स को ऐड कर पाओगे। यहाँ पे आपको फिर से ओवरऑल समरी मिल जाता है, जैसे कि ट्रेन का नाम, ट्रेन नंबर, बोर्डिंग टाइम, बोर्डिंग स्टेशन, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर स्टेशन, सीट अवेलेबिलिटी, ट्रेन का कोच और कोटा, जो कि यहाँ पे तत्काल है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दिख जाता है, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है,
नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पेमेंट मोड चूज कर लेना है कि किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट से, या फिर आप भीम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। पहले केस में आपको 15 रुपया कन्वीनियंस चार्ज लगता है, जबकि दूसरे केस में आपको 10 रुपया कन्वीनियंस चार्ज लगता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो 35 पैसा पर पर्सन ज़्यादा लगेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको यस पे सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। सेम टू सेम कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मोड चूज कर लेना है। यहाँ पे है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, वॉलेट, पे लेटर और EMI। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे सेलेक्ट करता हूँ। तो बेस्ड ऑन अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे फिर से पेटीएम के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, मीन्स ATM कार्ड से। तो यहाँ पे मुझे अपना कार्ड नंबर इंटर करना होगा, कार्ड का एक्सपायरी डेट इंटर करना होगा, CVV नंबर इंटर करना होगा जो कि कार्ड के पीछे होता है 3 डिजिट का, और यहाँ पे मुझे पे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। OTP इंटर करके यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बुकिंग कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना PNR नंबर मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हो और किसी को शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टिकट का स्टेटस कंफर्म है। तो अगर आपका स्टेटस कभी वेटिंग में चला जाता है तो इसी PNR नंबर को आपको यूज़ करना है अपने स्टेटस को जानने के लिए कि बाद में कंफर्म हुआ या फिर नहीं हुआ। और यहाँ पे आपको अपना सीट नंबर मिल जाता है, बर्थ दिख जाता है, और कौन सा बर्थ आपको मिला है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। आप बस TT को ये स्क्रीनशॉट दिखाओगे और अपना ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड दिखाओगे और आपका काम हो जाएगा। या फिर कभी भी आप अगर IRCTC ऐप ओपन करके माय ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको माय बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपकमिंग जर्नी के लिए जितने भी बुकिंग आपने किए होंगे वो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कंप्लीटेड जर्नी का टिकट बुकिंग लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी आप अपने टिकट को देख सकते हो दोबारा से। और कभी इन केस अगर आपको टिकट कैंसिल करना हुआ तो यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड अमाउंट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिटेल में कैंसिलेशन चार्जेस देखना चाहो तो देख सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग में रहता है और जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी वो अगर वेटिंग में ही रह जाता है तो आपको फुल अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। टिकट कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आपको कैंसिल टिकट पे क्लिक करना है और पैसेंजर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको वापस से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप अपने टिकट को कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तत्काल टिकट के केस में जो कि कंफर्म हो चुका था, रिफंड अमाउंट 0 होता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट डेमो कि कैसे आपको तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि पहले से ही आपको मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रखना है ताकि आपको पैसेंजर डिटेल्स को 1 by 1 बुकिंग के टाइम पे ऐड ना करना पड़े। दूसरा, आपको जिस भी कोच में बुकिंग करना हुआ, AC या non-AC, आपको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग 5 मिनट पहले ही ऐप ओपन करके रेडी रहना है और बार बार रिफ्रेश करके आपको चेक करते रहना है। जैसे ही बुकिंग ओपन होता है आपको जाके फटाक से बुकिंग कर लेनी है। तीसरा, आपका इंटरनेट कनेक्शन काफी अच्छा होना चाहिए। तो आपको उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पर कि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आ रहा हो और आपका पेज फटाफट से रिफ्रेश हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको तत्काल ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी टाइप के छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।